हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एडवांस राइजन ओ लेवल का पार्ट 3। तो अब तक हमने क्या किया, जल्दी से उसकी एक समरी मैं रिकैप दे देता हूँ। अब तक क्या हुआ, एक बच्चा है, एक लड़का है जिसका नाम इवांस है, जो कि जेल में बंद है किसी क्राइम की वजह से, और वो 3 बार भागने की कोशिश कर चुका है। अब वो जेल में रहते ही ओ लेवल जर्मन का पेपर देना चाहता है। उसके पेपर देने की जो तैयारियां हैं वो पूरी लगभग हो गई हैं और उसका पेपर ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। अब जो जेल के जो अधिकारी लोग हैं, जेल का जो गवर्नर है, प्रिजन ऑफिसर्स हैं, उन्हें ये सब डर लग रहा है कि जब इसका पेपर होगा उस टाइम पे कोई भी ऐसी घटना ना घटे, या ये भागने की कोशिश ना करे, या कुछ ये ऐसा ना करे जिससे जेल वालों का या इन लोगों का ना नाम खराब हो, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार वो भाग चुका है। तो उसका जो पेपर है वो जेल में ही कंडक्ट कराना है, और उसका जो इन्विजिलेटर है वो मैकलरी आया है, जो कि कौन है, एक पार्सन है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या होता है। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद द स्पेशल स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेज आस्क टू स्पीक टू द गवर्नर। अब 9:40 पे क्या होता है, सुबह सुबह एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू, एग्जामिनेशन बोर्ड से एक कॉल आता है एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉडर्न लैंग्वेज, तो जो जर्मन है वो भी मॉडर्न लैंग्वेज में आती है, वो कहता है कि हमारी बात कराइए गवर्नर से। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट, और जो एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका था। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो, देखो क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 घंटे का क्वार्टर यानी 15 मिनट पहले ही पेपर शुरू हो चुका था। यस वेल देर वॉज अ करेक्शन स्लिप विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज। अब वो जो आवाज़ है, वो जो फ़ोन आया वहाँ से वो क्या कह रहे हैं कि गवर्नर साहब, एक करेक्शन स्लिप भी थी जो कि पेपर में लगानी थी, पर कोई गधा, कोई मूर्ख आदमी था जो ये लगाना भूल गया। वेरी ब्रीफ, कुड द गवर्नर प्लीज, अब देखो 3 डॉट और लास्ट में कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि अब एग्जाम ला रहा है, अब वहाँ से तो आएगी नहीं वो शीट, तो वो जो करेक्शन है क्या वो आगे बता सकता है, जो जो करेक्शन है। यस ऑफ कोर्स आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डीवी। अब वो गवर्नर कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपकी लाइन जोड़ता हूँ, यानी कि आपका जो फ़ोन है वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ डीविंग में, वहाँ पे मिस्टर जैक्सन से आपकी बात हो जाएगी, उन्हें बता देना क्या क्या करेक्शन है, वो करवा देंगे। होल्ड द लाइन अ मिनट, 1 मिनट मतलब 1 मिनट के लिए होल्ड करना। वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड, वॉज द फोन कॉल अ फेक। अब अचानक से जो गवर्नर है उसे जिन चीज़ों का डर लग रहा था, अचानक से उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या यार ये कॉल, ये कोई जो कॉल है ये फेक कॉल तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है, सम सिग्नल, ये कोई सिग्नल तो नहीं है इवांस को भाग निकलने का, सम सीक्रेट मैसेज, या कोई सीक्रेट मैसेज हो। बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीजिएटली। अभी तभी उसे अचानक ख्याल आता है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड बट हर्ड ओनली अ स्टैक्टो ब्लीप्स ऑफ अ लाइन इंगेज्ड। तभी वो क्या करता है, एग्जामिनेशन बोर्ड का जो नंबर है उसे डायल करता है दूसरे नंबर से। कभी कभी हमें ये चेक करना होता है ना, तो हम किसी दूसरे नंबर से उस पर्सन को फ़ोन करते हैं, तो वो देखता है कि वो जो फ़ोन है, स्टैक्टो ब्लीप्स का मतलब है बिजी, बिजी टोन आ रही होती है। बट देन द लाइन वॉज इंगेज, वॉज एंड इट, लाइन तो इंगेज मिली, येस नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट। और तब तो उसे अपने आप पर लगता है कि हाँ चलो अच्छा, क्योंकि लाइन अगर फ़ोन ना किया होता तो लाइन बिजी ना आती, फिर तो फ़ोन मिल जाता, लेकिन क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी वो फ़ोन आया हुआ है तो वो दूसरे फ़ोन से चेक करता है कि ये फेक कॉल तो नहीं है, और उसे लाइन वो बिजी मिलती है। तो वो ठीक है कहता है ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, कोई इतनी भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है कर लिया मैंने चेक। 2 मिनट्स लेटर ही हर्ड सम विस्पर्ड कम्युनिकेशन इन द सेल एंड देन मैक्लरी ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस। 2 मिनट बाद, अब देखो उसने आपको, आपने अगर पिछले वो पढ़े होंगे पार्ट्स मेरे, अगर नहीं भी पढ़े तो प्लीज़ पढ़ लेना। तो 2 मिनट पहले, दो 2 मिनट्स लेटर ही हर्ड, उसने सम विस्पर्ड कम्युनिकेशन सुनता है। एक्चुअली उसने सेल के अंदर माइक्रोफोन लगवाया हुआ था जिसका रिसीवर कहाँ है, गवर्नर के पास है, तो जो भी वहाँ पे बातें होंगी मैकलरी के बीच में और इवांस के बीच में, वो उसे सब सुनाई देती हैं। तो उसे सुनाई देती है, क्या सुनाई देती हैं, वहाँ पे मैकलरी उसे कुछ बताता है एंड देन मैकलरी इज ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस। जो मैकलरी है, जो उसका एक्सेंट है, बोलने का तरीका स्कॉटिश बोलता है, कैसे बोलता है, विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल मिस्टर इवांस। अब वो देखो मेरा तो वो एक्सेंट नहीं है बोलने का, लेकिन तो वो कहना चाह रहा है यहाँ पे WEE का मतलब है लिटिल, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुकोगे मिस्टर इवांस। अब वो क्या कर क्या रहा है, मैकलरी क्या कर रहा है, उसे जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं जो बाहर से वो बताने की कोशिश, एंड लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0 to 1 1
शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन. जो भी कैंडिडेट्स जो 0 to 1 1 वाला यानी इस पेपर को दे रहे हैं उन्हें ये करेक्शन करना है अपने पेपर में. ऑन पेज 3 लाइन, पेज 3 पर जो लाइन है देखते हैं वो क्या लाइन है. 15 द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डन, गोल्डनन. जो मुझे पता नहीं ये वर्ड क्या होता है, ये जर्मन का वर्ड होगा. जो जो चौथा वर्ड है वो गोल्डन होना चाहिए, गोल्डिन नहीं होना चाहिए. तो वो उसे कहता है कि इसे करेक्ट कर लो. एंड द होल फ्रेज विल देयर फॉर रीड जम गोल्डिन लोवेन नो आई विल रिपीट दे. मतलब ये कुछ जर्मन में है तो वो रिपीट कर देता है कि ये कर लो भाई. कभी कभी होता है ना कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और पेपर में तो तभी बीच में एक टीचर आता है कि बेटा जो चौथा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत है उसे करेक्ट कर लो, उसमें वो करेक्शन करवा देते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पे जो जो मैकलरी है जो इन्विजिलेटर बन के आया उसके पास जो मैसेज आया कि थोड़ा सा जो करेक्शन है तो वो करेक्शन करवा रहा है. द गवर्नर लिसेंड एंड स्माइल. और गवर्नर ने ये चीज़ सुनी और वो स्माइल किया, स्माइल कर रहा है क्योंकि वो सोच रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है अब तक. तो ही हैड टेकन जर्मन इन द सिक्स्थ फॉर्म हिमसेल्फ. अब यहाँ पर फॉर्म का मतलब है सिक्स ग्रेड. उसने अब जर्मन उसने भी जर्मन पढ़ी थी सिक्स क्लास में, गवर्नर है. एंड रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स. और उसे सब कुछ याद था किस तरह से एडजेक्टिव का एग्रीमेंट वगैरह, मतलब किस तरह से जैसे हम लोग सिखाते हैं ना अपने बच्चों को टेंसेस सिखाते हैं कहाँ सब्जेक्ट लगेगा कहाँ वर्ब लगेगा कहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा, उसी तरह से उसे याद है. एंड सो डिड मैकलरी. और मैकलरी को भी आता है किस तरह से जर्मन में यूज़ होते हैं. बाय द साउंड ऑफ थिंग्स फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव. और उसे लगता है क्योंकि गवर्नर ने वो चीज़ छठी क्लास में पढ़ी थी सिक्स क्लास में, लेकिन वो कहता है कि जिस तरह से ये जो मैकलरी है ये बोलता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत बढ़िया बोलने का. बट वॉट अबाउट इवंस. लेकिन इवंस का क्या होगा, ही प्रोबेबली डिंट नो वॉट एन एडजेक्टिव वॉज. इस गधे को तो ये भी नहीं पता था, मतलब ऐसा गवर्नर सोच रहा है कि एडजेक्टिव होता क्या है जर्मन में. द फोन रैंग अगेन. तभी फ़ोन की घंटी दोबारा बजती है. द मजिस्ट्रेट कोर्ट. और जो फ़ोन आता है मजिस्ट्रेट कोर्ट से आता है. दे नीडिड अ प्रिजन वैन एंड कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स. उन्हें एक प्रिजन वैन की ज़रूरत थी और दो प्रिजन कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, दो प्रिजन ऑफिसर्स की ज़रूरत थी. रिमांड केस. कौन सा केस था, रिमांड केस. जैसे रिमांड केस का मतलब क्या है, जैसे कोई केस है अब उसका एक तारीख हो गई फिर से दूसरी सुनवाई हो रही है तीसरी सुनवाई हो रही है तो रिमांड केस. एंड विद इन 2 मिनट्स द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ होक्स. अब 2 मिनट बाद फिर से उसे जो क्या नाम है जो गवर्नर है उसे ना फिर से शक्सा होता है यार ये जो कॉल आई है ये कहीं धोखा तो नहीं है. ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली. अब वो अपने आप को कहता है यार इतना भी सिली बनने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, हर चीज़ में मैं बस हर जो नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं उसमें भी उसे डर लग रहा है क्योंकि इवेंट्स इवेंट्स इवेंट्स. हिज इमेजिनेशन वॉज बिगनिंग टू रन राइट. उसकी जो इमेजिनेशन है वो पूरी अनकंट्रोल हो रही है वो उसे, क्योंकि बस उसे यही डर लग रहा है कहीं कोई भी ऐसा क्लू ना मिल जाए इवेंट्स को भाग निकलने का. इवेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ एन आर स्टीफन्स हैड ड्यूटीफुली पीयर्ड थ्रू द पीप होल इंटरवल्स ऑफ 1 मिनट और सो. अब जो स्टीफन है जो पहले अंदर था उसे बाहर निकाल दिया गया था कि भैया बाहर रहो तुम, तो वो क्या कर रहा था, जो सेल के जो गेट था जो दरवाज़ा है जिसके अंदर जो इवेंट्स है जो पेपर दे रहा है पीप होल होता है उसमें से एक जो छोटा सा झांकने का एक वो होता है उसमें से देखता जाता था थोड़ी थोड़ी देर बाद. थ्रू द पीप होल एट द इंटरवल्स ऑफ एक मिनट बाद. एंड आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट. शुरुआत में वो हर 1 मिनट के बाद झांका, फिर बाद में उसने हर 2 मिनट के बाद उसमें झांकना शुरू कर दिया. एट 10:45 AM एवरीथिंग वॉज स्टिल एट ऑल राइट एज ए लुक थ्रू द पीप होल वंस मोर. और जैसे ही उसने पीप होल के अंदर देखा दोबारा से उसने सब कुछ सही था, नॉर्मल था. इट टुक 4 or 5 seconds. उसे हर बार 4 या 5 सेकेंड लगते थे ये देखने में, नो मोर, इससे ज़्यादा नहीं लगते थे. वॉट वॉज द पॉइंट. क्या पॉइंट है यार, सब कुछ सही चल रहा है, बच्चा पेपर दे रहा है, इन्विजिलेटर वहाँ बैठा है, सब बढ़िया चल रहा है. इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम. और जब भी वो हर बार उसमें से झांकता था उस बार वही दिखता था उसे, बच्चा वहाँ बैठा है इन्विजिलेटर बैठा हुआ है अपना काम चल रहा है. इवांस हिज पैन बिटवीन हिज लिप्स. जब भी वो झांकता था इवांस को उसका जो पैन है उसके लिप्स के बीच में. कभी कभी होता है ना जब हम एग्जाम देते हैं तो कुछ सोचते हैं हमें कोई आंसर याद, तो अपने पैन को थोड़ा सा मुंह में ले लेते हैं लिप्स के बीच में और सोचते रहते हैं. सीकिंग इट सीम्ड सम सोरली नीड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर. और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ चीज़ याद करने की सोच रहा है, कुछ इंस्पिरेशन लाने की सोच रहा है, मतलब ख्यालों में डूबा हुआ है किसी क्वेश्चन को सोचने के लिए. एंड अपोजिट हिम मैकलरी. और उसके अपोजिट यानी सामने कौन बैठा हुआ था, मैकलरी बैठा हुआ था. सीटेड स्लाइटली एस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ. और वो थोड़ा सा टेबल से दूर बैठा हुआ था. हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल. और जो उसका जो फेस है साइड से दिख रहा था, मतलब क्योंकि वो जो स्टीफन है वो तो पीप होल से झांक रहा है तो उसका आधा आधा सा चेहरा साइड से दिख रहा था. हिज हेयर एज स्टीफन हैड नोटिस अर्लियर
एमेच्योरसली क्लिप्ड प्रिटी क्लोजली टू द स्कैल्प, और जो उसके जो बाल थे वो बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए थे, और स्कैल्प का मतलब होता है खोपड़ी, बिल्कुल उनसे चिपके से हुए थे। हिज आइज बिहाइंड द पेबल लेंसेज पियरिंग शॉर्ट साइटेडली, और जो उसके जो आंखें थी वो किसके पीछे थी, लेंसेज के, यानी कि जो उसने चश्मा लगाया हुआ था मैकलरी ने, इन्विजिलेटर ने, ठीक है, उसके पीछे थी एट द चर्च टाइम्स। और वो क्या पढ़ रही थी भाई, बच्चा अपना पेपर दे रहा था, अकेला बच्चा है तो उसे ये भी डर नहीं है कि कहीं से नकल कर लेगा, दूसरे बच्चे की में से देख लेगा, कुछ है ही कोई बच्चा वहाँ है ही नहीं, तो वो अपना थोड़ा सा जो चर्च टाइम जो न्यूज़पेपर था उसका, जो मैगजीन थी उसमें वो देख रहा था। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लेरिकल कॉलर, और जो उसकी जो सीधे हाथ की जो इंडेक्स फिंगर थी, अब देखो इंडेक्स फिंगर क्या होता है, जो हमारा अंगूठा होता है और मिडिल फिंगर होती है बीच वाली सबसे बड़ी, उसके बीच की जो फिंगर होती है वो इंडेक्स फिंगर होती है। जो इंडेक्स फिंगर है वो जो पार्सन्स होते हैं ये क्लेरिकल कॉलर पहनते हैं वाइट वाइट सा अपने गर्दन पे, उसके बीच में थी। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और जो फिंगर्स थी लेफ्ट हैंड की वो उसे दिखाई दे रही थी स्टीफन्स को, जो कि बहुत अच्छी तरह से मैनिक्योर्ड की हुई थी। मैनिक्योर्ड शायद आप लोग समझते होंगे, जो लोग रेगुलर पार्लर जाते हैं वो मैनिक्योर वगैरह कराते हैं, अपने हाथ वगैरह के नेल्स वगैरह को बिल्कुल साफ़ करवाते हैं, आसपास की जो डेड स्किन्स वगैरह होती हैं वो सब निकलवा लेते हैं, तो बहुत अच्छे से उसके हाथ वगैरह हैं, उंगलियाँ वगैरह मैनिक्योर्ड हैं। स्लोली स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और वो क्योंकि अब भैया 2-2.5 घंटे निकालने हैं पेपर में, तो बैठा हुआ है ऐसे अपने जो छोटी 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 सी जो उसकी दाढ़ी है उस पर स्ट्रोक कर रहा, धीरे धीरे से हाथ मार रहा है। एट 10:50 AM द रिसीवर क्रैक टू द लाइफ एंड द गवर्नर रियलाइज ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगेटन इवेंट्स फॉर फ्यू मिनट्स, तभी 10:50 पर रिसीवर से फिर से आवाज़ आती है। अब ये देखो ये रिसीवर क्या है, ये फ़ोन नहीं है, ये जो माइक्रोफोन लगा हुआ है जेल के अंदर जहाँ पे इवांस पेपर दे रहा है, तो वहाँ पे जब भी कोई बात होती है तो रिसीवर में सुनाई देती है, तो फिर से उसमें कुछ आवाज़ आती है, और तभी गवर्नर को रियलाइज़ होता है कि वो तो कुछ कुछ देर के लिए किसको भूल ही गया था, इवांस को। अब देखो क्या आवाज़ आती है, इवांस प्लीज़ सर, अ विस्पर, एक छोटी सी आवाज़ खुसफुसाहट, इवांस कहता प्लीज़ सर, इवांस प्लीज़ सर लाउडर, इवांस कहता है थोड़ा तेज, सर प्लीज़ सर, इवांस फिर से कहता है वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट अराउंड मी, सर क्या मैं अपने चारों तरफ एक ब्लैंकेट लपेट लूं, शोल्डर सर इट्स अ बिट पाकी हियर इजेंट इट, क्या मैं अपने शोल्डर्स के चारों तरफ एक ब्लैंकेट, इट्स, अब यहाँ देखो पार्की का मतलब है चिली, मतलब ठंड है, यहाँ बहुत ठंड है, इजेंट इट, साइलेंस। अब वो जो मैकलरी कुछ नहीं बोलता, देर इज़ वन ऑन मी बंक ईयर सर, सर यहीं पर पड़ा है कंबल मेरे, बंक बंक का मतलब है वो जो सेल के अंदर जो बेड पड़ा रहता है जिसमें प्रिजनर लेटता है। तो मैकलरी कहता है बी क्यूक अबाउट इट, हाँ ठीक है जल्दी से ले लो, साइलेंस। फिर वहाँ फिर से वहाँ चुप्पी हो जाती है, फिर से वो लोग काम में लग जाते हैं। एट 10:50 AM स्टीफन वॉज मोर देन अ लिटिल सरप्राइज टू सी अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट ड्रेप्ड अराउंड इवांस शोल्डर्स एंड ही फ्राउंड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली। अब सेल के बाहर कौन खड़ा हुआ है, स्टीफन खड़ा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, हर एक एक दो दो मिनट बाद अंदर झांकता है पीप होल से ये देखने के लिए कि सब सही चल रहा है। अब उसे तो नहीं पता कि अंदर इवांस ने अभी रिक्वेस्ट करी थी मैकलरी से किस चीज़ की, कि क्या वो कंबल ले ले क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है, और मैकलरी कह देता है ठीक है ले लो। अब अचानक से वो देखता है, तो उसे वो क्या दिखता है, वो देखता है कि इवांस ने अपने चारों तरफ एक कंबल लपेटे हुआ है, और वो थोड़ा सा फ्राउन करता है, फ्राउन मतलब एक शक की नज़रों से देखता है थोड़ा सा, कभी कभी जब लोग गुस्सा करते हैं तो फ्राउन करते हैं ना, तो आईब्रो वैसी हो जाती हैं टेढ़ी मेढ़ी सी। बट इवांस देन पैन स्टिल बिटवीन हिज ही फ्राउंड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली, एग्जामिनी का मतलब होता है जो एग्जाम दे रहा हो, यानी और यहाँ पे एग्जाम कौन दे रहा है, इवेंस। बट इवेंस द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, और अभी भी वो जो पेन था वो अभी भी उसके दांतों के बीच में लगा हुआ था, वॉज स्टार्टिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर, और बिल्कुल वो ऐसे ही स्टेयरिंग मतलब ऐसे ही देख रहा था जैसे कि वो पहले देख रहा है, मतलब कहने का मतलब यह है स्टीफन्स ने जो सीन देखा बिल्कुल ऐसा था जैसा कि वो पहले देख रहा था, कुछ भी चेंज नहीं था, बस चेंज क्या था, केवल इस बार उसके चारों तरफ एक कंबल लिपटा हुआ था। ब्लैंकली बीनीथ अ ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट के नीचे था। शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइट इरेग्युलरिटी, क्या अब वो सोच रहा है अपने आप मन मन में, क्या मुझे इस बात की खबर दे देनी चाहिए आगे, एनीथिंग एट ऑल फिशी हैडन जैक्सन सेड, जैक्सन ने ये नहीं कहा था कि कुछ भी आपको किसी भी चीज़ पर हल्का फुल्का शक हो तो मुझे जरूर बता बता जरूर देना। ही लुक थ्रू द पीप होल वंस अगेन, दोबारा से देखता उस पीप होल में से, एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ, और जैसे ही वो दोबारा देखता है तो वो क्या पाता है कि इवांस ने वो जो
डर्ट गंदा सा जो ब्लैंकेट था अपने चारों तरफ और ज्यादा कस के लपेट लिया है। वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैकलरी इन द ब्लैकमेंट। अब देखो जो पुलिस वाले होते हैं और जो ये जो होते हैं ऑफिसर वगैरह, इनका ना शक करने का मिजाज होता है, हर चीज़ में शक करते हैं। तो अब वो शक कर रहा है, क्या यार कहीं ये प्लान तो नहीं कर रहा कि मैकलरी को मारने का, दम घोटने का प्रयास तो नहीं करेगा अपने इस कंबल से। डोंट बी डैफ्ट, डैफ्ट का मतलब होता है बेवकूफ़, पागल। अब वो अपने आप को कहता है, यार पागल मत बन। देर वॉज नेवर एनी सन ऑन द साइड ऑफ द प्रिजन, नो हीटिंग ईदर ड्यूरिंग ऑन द समर मंथ। तब उसे याद आता है कि यार एक्चुअली जो सेल है ना, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि उस साइड से कोई सूरज की रोशनी नहीं आती। यहाँ तक कि उसे याद आता है कि जो गर्मियों का टाइम होता है ना, वहाँ पर भी यहाँ बहुत ठंड रहती है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन द सम ऑफ द सेल्स, और कुछ सेल्स में, कुछ जेल के कुछ कमरों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन। तो वो सोचता है ऐसी कोई या कोई खास बात नहीं है, बच्चे ने कोई कोई बात नहीं है, पेपर दे रहा है, उसने क्या कर रखा है, ज़्यादा ज़्यादा यार एक कंबल ही तो ओढ़ रखा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और उसे अच्छी तरह पता था कि अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। एट 11:20 AM और फिर से वो क्या करने लगता है, वही जो उसका जो रूटीन था कि हर एक एक मिनट बाद देखना, हर दो दो मिनट बाद देखना, वही करता है। एट 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस एंड मैकलरी इन्फॉर्म इवांस दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेंड। अब 11:20 पे फिर से जो जो गवर्नर है वो सारी बातें सुन रहा है, क्या चलती है अंदर। फिर से 11:20 पे उसमें आवाज़ आती है रिसीवर में, और क्या आवाज़ आती है कि मैकलरी इन्फॉर्म करता है इवांस को कि भैया 5 मिनट बचे हैं। आपने देखा होगा ना, जब आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो जो इन्विजिलेटर होते हैं कहते हैं अपनी कॉपी बांध लीजिए, है ना, वो नंबरिंग कर लीजिए, शॉर्ट आउट शॉर्ट कर लीजिए जल्दी जल्दी से कि अब पेपर ख़त्म होने वाला है। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर, लगभग ख़त्म हो चुका था पेपर, बट समथिंग स्टिल नॉट अवेक क्वाइटली इन गवर्नर्स माइंड। लेकिन अभी भी किसी चीज़ का जो कहीं ना कहीं जो कोई चीज़ थी वो नॉट अवेक का मतलब है परेशान कर रही थी गवर्नर को, कुछ कहीं ना कहीं उसे अभी भी डर था। क्या था वो, द एग्जामिन ही रीच फॉर द फोन वंस मोर, और उसने दोबारा से फ़ोन उठाया। एट 11:20 AM जैक्सन शाउटेड अलॉन्ग द कॉरिडोर टू स्टेफन्स, और उसने उठ फोन फोन किया होगा, कुछ क्या फ़ोन किया उसने, 11:22 पर जैक्सन ने कॉरिडोर से चिल्लाया, स्टीफन्स सुनो, द गवर्नर वॉन्टेड टू स्पीक विद हिम, गवर्नर तुमसे बात करना चाहते हैं, हरी मैन जल्दी करो। स्टीफन्स पिक्ड अप द फोन अप्रीहेंसिवली एंड लिसन टू द रैपिडली स्पीक स्पोकन ऑर्डर्स। अब स्टीफन को लगा यार मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मैं तो ड्यूटी पे अच्छे तरह से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अब उसने फ़ोन तो उठाया, डरते डरते बहुत चिंता कर रहा है कहीं मुझसे कुछ गलती नहीं है। स्टीफन हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मैकलरी टू द मेन प्रिजन गेट्स, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्टीफन के लिए क्या ऑर्डर आए कि अब जब पेपर हो गया है तो वो मैकलरी को खुद बाहर तक के गेट तक छोड़ने आएगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। स्टीफन पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैकलरी हैड लेफ्ट द सेल, अंडरस्टूड। तो अब जैसे ही मैकलरी फ़ोन उठाता है तो उसे गवर्नर बताते हैं कि एक तो आप मैकलरी को बाहर लेके आओगे खुद से, दूसरा जब उसे बाहर ला रहे होगे तो ये मेक श्योर करोगे बिल्कुल कि जब मैकलरी बाहर आए तो जो उसका जो सेल है, किसका, इवन जिसके अंदर बंद है, वो अंदर बंद ही हो, बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का, अंडरस्टूड, समझ गए। तो वो जवाब देता, हाँ सर अंडरस्टूड, समझ गया। एट 11:25 AM द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंज चेंज, और फिर से 11:25 पे फिर से गवर्नर को फाइनल बातें सुनाई देती हैं। क्या बातें सुनाई देती हैं, मैकलरी स्टॉप राइटिंग प्लीज, चलिए लिखना बंद करिए, फिर से साइलेंस, कोई आवाज़ ही नहीं आती। मैकलरी पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, मैकलरी कहता है वही जैसे जो इन्विजिलेटर्स की आदत होती है कि अपनी सीट्स को देखो अच्छे से सेट कर दो, देखो वो सही से लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई। साइलेंस, स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, और जब कोई पेपर ख़त्म होता है तो बच्चे उठते हैं तो चेयर्स और टेबल हटने की जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आ रही है किसको, ये गवर्नर सुन रहा है अपने ऑफिस में बैठे बैठे। इवांस, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैकलरी, अ राइट वॉज इट, और सब, अब मैकलरी पूछ रहा, अच्छा हो गया पेपर, ठीक हो गया। इवांस, नॉट टू बैड, ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, बस ठीक ठाक हो गया सर। मैकलरी, गुड मिस्टर स्टीफन्स, गुड, चलो अच्छा है। फिर वो फिर कहता मिस्टर स्टीफन्स, आवाज़ लगाता वेरी लाउड, बहुत तेज। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम, और फिर गवर्नर को जो क्लैंग होता है जब दरवाज़ा थोड़ा ज़ोर से बंद होता है तो आवाज़ आती है ना, वो उसकी आवाज़ आती है। तो इसका मतलब है कि जो गवर्नर है जो कि अपने ऑफिस से माइक्रोफोन में के रिसीवर्स में जो सारी बातें सुन रहा है, उसे लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाता है। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आज स्टीफन एज ही वॉकड बिसाइड मैकलरी टू द मेन गेट्स। अब जो मैकलरी है वो किसे छोड़ने आ रहा है, सॉरी जो स्टीफन है वो मैकलरी को छोड़ने आ रहा है बाहर की साइड
उसके साथ में बराबर में खड़ा, और क्या पूछता है, सर आपको क्या लगता है इसने कैसा किया पेपर, पास पास हो पाएगा ये? ओच आई कैन नॉट थिंक ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, आई एम अफ्रेड हिज स्कॉट्स एक्सेंट सीम ब्रॉडर देन एवर। अब जो मैकलरी है जो उसके साथ आ रहा है वो बता रहा है, वो कह रहा है मुझे नहीं लगता कि कोई खास पेपर वो कर पाया है, मुझे तो डर है। हिज स्कॉट्स एक्सेंट सीम ब्रॉडर देन एवर। अब जो जो ये जो मैकलरी है जो आया था इन्विजिलेशन करने, अब जो क्या नाम है स्टीफन जो उसे बाहर छोड़ने जा रहा है, उसे ना उसका बोलने का स्टाइल थोड़ा सा और ज़्यादा अजीब सा लगता है। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट रीचिंग ऑलमोस्ट हिज नीज, और जो उसका जो ब्लैक ओवर कोट था जो उसने ऊपर पहना हुआ था वो कहाँ तक पहुँच रहा था, ऊपर से बिल्कुल उसके नीज मतलब घुटनों तक। फॉस्टर्ड द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कुछ कुछ थोड़ा सा स्टीफन को कि यार अभी जब ये अंदर गया था 2-2.5 घंटे पहले तब थोड़ा सा अच्छा था, अब ये थोड़ा पतला लग रहा है अचानक से, उसे मतलब इल्यूजन हो रहा है, आंखों का धोखा हो रहा है उसे। स्टीफन फेल्ट प्लीज दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन टू सी मैकलरी ऑफ द प्रेमिसेस। अब स्टीफन को ना कहीं अच्छा लग रहा है कि भैया जो गवर्नर है जो मेरा बॉस है उसने मुझसे कहा है मैकलरी को बाहर ले जाने के लिए, जैक्सन को नहीं कहा। कभी कभी होता है ना हम लोगों में ये फीलिंग होती है कि बच्चा कोई क्लास का मॉनिटर बन जाता तो उसे प्राउड फील होता है कि देखो उससे नहीं कहा मुझसे कहा है, ऐसे उसे भी अच्छा लग रहा है। एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रिटी वेल, और अभी तक जो मॉर्निंग है सब कुछ बढ़िया जा रहा था, क्योंकि इस चीज़ का डर था कि कैसे 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 एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम हो गया बढ़िया तरह से। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ ब्लेटेड कप ऑफ कॉफ़ी। अब वो सोच रहा था चलो सब कुछ हो गया, चलो अब कॉफ़ी पी ली जाए, एक ठंड का टाइम है कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे ख्याल आया कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा एक बार एक और चेक कर लिया जाए। ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस, वो दोबारा से इवांस को उसके सेल में देखना चाहता था। इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी, बिल्कुल एक प्रोग्राम की तरह था टीवी पे, अबाउट अ वुमन हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ दैट शी हैड लॉक द फ्रंट डोर वैन शी हैड गॉन टू बेड। और ये बिल्कुल उस लेडी की तरह था जो प्रोग्राम उसने देखा था, जब भी वो बेड पे सोने जाती थी तो उसे ये डाउट रहता था कि यार मैंने दरवाज़ा बंद किया या नहीं किया, तो फिर से वो दोबारा उठ के जाती थी, फिर से वो कुंडी चेक करती थी कि लगा ली या नहीं लगा ली। तो ऐसे ही यहाँ पे स्थिति हो रही है किसकी, मैकलरी की। उसे पता है जबकि अभी वो छोड़ के आया अंदर बंद है वो, लेकिन फिर भी वो सोच रहा नहीं कॉफ़ी बाद में पीऊँगा, पहले एक बार देख के आता हूँ कि वो क्या कर रहा है। ऑफन शी हैड गॉट अप 12-15 समटाइम्स 20 टाइम्स चेक द बोल्ट्स। बोल्ट्स होती है जो छोटी सी कुंडी होती है लैच ऐसे आगे पीछे होने वाली, तो वो जो वुमन है जो वो जो प्रोग्राम देखता था उसमें वो बार बार उठती है 10-12, 15-20 बार चेक करने के लिए। ही री एंटर डी विंग मेड हिज वे अलॉन्ग टू इवान्स सेल। अब वो डी विंग में आता है और इवान्स के सेल की तरफ बढ़ता है। एंड ओपन द पीप होल वंस मोर, और दोबारा से पीप होल के थ्रू झांक के देखता है। ओ नो क्राइस्ट, अब चिल्लाता है हे भगवान ये क्या हो गया। नो देयर स्प्रॉल्ड बैक इन इवान्स चेयर वॉज अ मैन फॉर अ सेमी सेकेंड स्टीफन थॉट इट मस्ट बी इवेंस। और इवान्स की चेयर पे एक आदमी पड़ा हुआ था, और थोड़ी देर के लिए स्टीफन को लगा कि ये इवेंस है। अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर, और एक ग्रे कलर का गंदा सा जो ब्लैंकेट है वो उसके कंधों से थोड़ा थोड़ा सरक रहा था, मतलब वहाँ पड़ा हुआ था। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड इरेगुलरली टफ्टेड हेयर अ वॉश विथ फियर्स रेड ब्लड विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड। और उसके जो छोटे छोटे से बाल थे उनके ऊपर से बहता हुआ फियर्स ब्लड का मतलब बहुत ज़्यादा खून पूरा बह रहा था, और वो उसकी जो छोटी सामने की तरफ जो ब्लैक बियर्ड थे छोटी सी उसकी तरफ बहता हुआ आ रहा था। एंड वॉज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट क्लरिकल कॉलर एंड डाउन इन टू द ब्लैक क्लरिकल फ्रंट। अब उसे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया यार, मैं तो अभी मैकलरी को बाहर छोड़ के आया हूँ और यहाँ पे मैकलरी खून से लथपथ पड़ा, ये कैसे हो गया। और वो जो खून है वो इतना ज़्यादा बहा हुआ है कि वो उसका जो क्लरिकल कॉलर है अब वो उसकी तरफ आ रहा है बहते हुए। स्टीफन शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन, स्टीफन जल्दी से जैक्सन को बुलाता है, आवाज़ देता है जैक्सन जैक्सन, एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनिट्रेट द कर्टेन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैकलरीज ईयर्स। और वो इतनी तेज चिल्लाता है कि जो मैकलरी जो अंदर बैठा हुआ था उसके पीप होल से मैकलरी के कानों तक भी आवाज़ चली जाती है। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर अ हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट। और वो जो अंदर जो घायल आदमी है यानी जो मैकलरी है वो मिनिस्टर भी है, वो अपने पॉकेट से क्या निकालता है, जैसे हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो हम उस खून की जगह पे अपना हैंकी लगाने की कोशिश करते हैं, खून बंद करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस तरह की कोशिश वो कर रहा है। एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और जहाँ से खून निकलता रहा था उसके सिर से वहाँ से वो वहाँ पे वो रखता है। द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लाइन इन, और जो ब्लड इतना ज़्यादा निकल रहा था कि उसके
मतलब पूरा का पूरा जो खूनम खून हो जाता है, वो सफ़ेद जो रुमाल था, लाइनन का होता है, जो लिनन का कपड़ा होता है ना हम लोग पहनते हैं उसे, ही गेव अ लॉन्ग लो मून, और वो कराह रहा था, मून का मतलब कराह रहा था दर्द से, एंड ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश कर रहा था, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उसकी आवाज़, कभी कभी होता है ना घायल आदमी बोलने की कोशिश करता है लेकिन मतलब बोल नहीं पाता, एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव एंड डिस्पैच स्टीफन टू रिंग दिस पुलिस एंड द एम्बुलेंस, और जब तक कि जैक्सन वहाँ पे आता और जल्दी से जैक्सन क्या कहता है स्टीफन को कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ और एम्बुलेंस को बुलाओ, द हैंडकरचीफ वॉज स्टकी स्क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लॉथ, और तब तक पूरा का पूरा जो हैंकी था, जो रुमाल था, पूरा का पूरा खून में लथपथ हो चुका था। मैकलरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, मैकलरी धीरे से अपने आप को उठाता है, हिज फेस टू स्ट्रिट टाइटली विद पेन, और उसका जो पूरा का पूरा जो चेहरा है वो दर्द से क्या हो रहा है, पूरा कराह रहा है। डिना, अब देखो वो स्कॉटिश लैंग्वेज में यह बोलता है, डिना वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, आई एम राइट, आई एम राइट, गेट द पुलिस, अब वो कह रहा है मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, एम्बुलेंस को मत बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ, आई नो वेयर ही, अब देखो घायल आदमी वो अच्छी तरह से बोल रहा है, ही क्लोज हिज आइज, अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड स्प्लैश लाइक अ ह्यूज रेन ड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर, और अपनी आंखें बंद करता है, मतलब वो कराह रहा है, उसे दर्द हो रहा है, और जो ब्लड की जो बूंदें हैं वो वुडन फ्लोर पे, लकड़ी के फ्लोर पे गिर रही है, हिज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल, और उसका जो हाथ है वो टेबल पे जाता है, फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, जर्मन क्वेश्चन पेपर जो वहाँ पड़ा हुआ था उसे उठाता है, एंड ग्रैस्प इट टाइटली, उठा लेता है कस के, इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, जो उसका हाथ जो खून से सना हुआ था उसी हाथ से, गेट द गवर्नर, आई नो वेयर इवेंट्स, अब वो कहता है गवर्नर को बुलाओ, आई नो, मुझे पता है इवेंट्स कहाँ गया, कहाँ गया है, ऑलमोस्ट इमिजिएटली साइरेंस वर साउंडिंग, और तभी बिल्कुल जो जेल वगैरह में होता है ना, जब भी कोई कैदी भाग जाता है, कुछ हो जाता है इस तरह, तो साइरन बजा दिए जाते हैं, वो साइरन बज जाते हैं, प्रिजनर ऑफिसर्स बार्क्ड ऑर्डर्स, और जो प्रिजनर के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो एक दूसरे को ऑर्डर्स दे रहे हैं, उधर जाओ उधर जाओ, पजल्ड प्रिजनर्स पुश देयर वे अलॉन्ग द कॉरिडर्स, और जो जो प्रिजनर्स जो दूसरे कैदी थे वो भी धक्का मुक्की कर रहे थे, द फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, द डोर्स वर बैंगड एंड बोल्टेड, अब जो दरवाजे लगा दिए गए, कुंडियाँ लगा दी गई, देखा जाए कहीं भाग, और जो फोन्स इधर से उधर हो रहे थे, एंड विद इन अ मिनट मैकलरी विद जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग हिम ऑन ईदर साइड, अब जो एक ही मिनट के अंदर जो जैक्सन और स्टीफन उसे सपोर्ट करते हुए, किसको, मैकलरी को, एक साइड से, दोनों साइड से, हिज फेस नाउ स्ट्रीक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड, उसका जो पूरा जो चेहरा था वो पूरे चेहरे पे जो ब्लड था वो अब सूखने लगा था, ब्लड वॉज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड बाई द गवर्नर, और अब उसे फाइनली गवर्नर मिलते हैं, और जो जो गवर्नर है पूरी तरह से परप्लेक्स्ड एंड ग्रिम, पूरी तरह से मतलब उसे यकीन ही नहीं होता ये कैसे हो गया, वी मस्ट गेट यू हॉस्पिटल इमेजिन, आई जस्ट डोंट, अब वो कहता है, गवर्नर कहता है कि हमें तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, आई जस्ट डोंट, मैं नहीं चाहता, अभी पूरा सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं कर पाता, यू हैव कॉल्ड द पुलिस, लेकिन जो मैकलरी कहता है क्या आपने पुलिस को बुला लिया, यस यस दे आर ऑन देयर वे, बट हाँ वो अपने रास्ते में, पर अब वो कहना चाह रहा है कि वो तो आते रहेंगे लेकिन हमें तुम्हें अब वो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, मैकलरी कहता है आई एम राइट, लुक हियर ऑकवर्डली, मैं ठीक हूँ ठीक हूँ, इधर देखो ऑकवर्डली, ही ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर्स फेस, अब वो क्या करता है, जो जर्मन का जो क्वेश्चन पेपर है उसे निकालता है और उसे गवर्नर के सामने रखता है, इज देयर DYC वॉट आई मैन, देखो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज वॉट मैकलरी वॉज ट्राइंग टू टेक, गवर्नर उस पेपर की तरफ देखता है और सोचता है कि यार आखिर मैकलरी क्या कहना चाह रहा है, अ फोटो कॉपीड शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपर इम्पोज ओवर द लास्ट, अब वो दिखाता है कि उस फोटो उस वो जो पेपर आया था बाहर से उसके ऊपर लास्ट पेपर के ऊपर एक फोटो कॉपी लगी हुई थी, और वो बहुत चालाकी से उसके ऊपर इस तरह से लगाई, जैसे एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर इस तरह से रखा हुआ था कि किसी को पता ना चले, ओरिजिनली ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो ब्लैंक पेपर था क्वेश्चन पेपर, ये सी व्हाट दे हैव डन गवर्नर, ये सी, ये देखो गवर्नर उन्होंने क्या किया है, हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन, और बार बार उसकी आवाज़ टूट रही थी, मतलब वो बोल नहीं पा रहा था, एज द गवर्नर ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग निग्लेक्टेड लर्निंग विल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम, और जो जर्मन में जो चीज़ें लिखी हुई थी उसके सामने, तो जो वो था क्या नाम है गवर्नर, वो जानने की कोशिश कर रहा है आखिर ऐसा लिखा क्या था उस पेपर पे, अब देखो जर्मन में कुछ लिखा हुआ है, साई सोलन डैम सोन, अब ये देखो जर्मन है, जर्मन तो हम लोग नहीं जानते, ना ही मैं जानता हूँ, लेकिन इसका देखो इंग्लिश का मतलब, यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, अब उसमें जो लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ था, मतलब जो
कि तुम्हें ऑलरेडी जो प्लान दिया गया है वो ही फॉलो करना है। द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज 3 मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन बट समथिंग समथिंग। अब वो कह रहा मतलब उस पेपर पे ये लिखा हुआ है जर्मन में कि जब एग्ज़ाम ख़त्म होने से जो 3 मिनट पहले वाला टाइम है ना उसमें अपना काम करना है बहुत ज़्यादा चालाकी से, समथिंग समथिंग, डोंट हिंट हिम टू हार्ड, और उसे बहुत ज़्यादा जोर से मत मारना, रिमेंबर ही इज़ अ मिनिस्टर, याद रखना वो एक मिनिस्टर है, एंड डोंट ओवर डू द स्कॉट्स एक्सेंट वैन, और अब जब बात करो या नकलीपन में ज़्यादा स्कॉट्स एक्सेंट में मत बात करना, कभी पकड़े जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो पहचान लें कि ये ओवर एक्टिंग कौन कर रहा है। सो आई होप सो चिल्ड्रन कि आपको ये जो पार्ट 3 है ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट 4 बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।